का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। क्षेत्र से शिक्षा राज्य मंत्री बनने का दिख रहा असर। 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची गिरिडीह कॉलेज। कॉलेज का भविष्य सुधरने के बड़े आसार। देवरी के गुनियाथर और बेंगाबाद के करणपुरा सहित सभी प्रखंडों में आज भी आयोजित हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। कई आवेदनों का हुआ ऑन द स्पॉट निस्तारण। दिल्ली में 12 दिसंबर को रैली बुलाने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेसियों ने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के निवर्तमान प्रधानाध्यापक को दी गई विदाई। पूर्व निवर्तमान और वर्तमान प्रधानाचार्य सहित विद्यालय के शिक्षक रहे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्तर पर नेक के चेयरमैन समेत 4 सदस्यीय टीम गिरिडीह कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज के शैक्षणिक माहौल और शिक्षकों की कमी तथा आधारभूत संरचना का अवलोकन करने के लिए केंद्रीय टीम 2 दिनों तक कॉलेज का अवलोकन करेगा। यूजीसी के निर्देशक समेत नैक के 4 सदस्यीय टीम 2 दिनों के दौरे पर गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज पहुंची। मानव संसाधन विकास केंद्र समेत वित्तीय सहयोग नैक के इस टीम का दौरा शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे कॉलेज को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 4 सदस्यीय टीम में यूजीसी निदेशक के समेत 3 अलग-अलग राज्यों के विवि के पूर्व प्राचार्य, लेक्चरर और डिप्टी रजिस्ट्रार शामिल हैं। टीम में गुजरात विवि सह यूजीसी के निदेशक डॉक्टर जगदीश कुमार जोशी के अलावे पूर्वी उड़ीसा विवि जियोलॉजी विभाग के लेक्चरर डॉक्टर हेमंत कुमार साहू, केरला के ओट्टापालम एनएसएस हिंदू कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजन एमपी और कर्नाटक के तुमकुरु विवि के ऑर्गेनिक रसायन के सहायक प्रोफेसर सह डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश डी शामिल हैं। टीम में शामिल एक सदस्य ने बताया कि नैक की यह टीम गिरिडीह कॉलेज के आधारभूत संरचना का अवलोकन करने पहुंची है। वर्तमान में कॉलेज के शैक्षणिक माहौल की जानकारी, कॉलेज में 3 विषयों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या, छात्रों के अटेंडेंस, 3 विषयों में छात्रों के नामांकन हेतु सीट उपलब्धता, कॉलेज में मौजूद लैब के हालात, ऐसे तमाम परेशानियों को जानकारी हासिल करेगी। आज पहले दिन ही टीम ने कॉलेज के कई बिल्डिंगों के हालात देखे, साथ ही शैक्षणिक माहौल से लेकर शिक्षकों की कमी से रूबरू हुए। 3 विषय के छात्रों के एडमिशन के लिए सीटों की उपलब्धता की जानकारी ली। वैसे झारखंड बनने के बाद यह पहला मौका है जब केंद्रीय स्तर पर नैक की टीम का दौरा गिरिडीह कॉलेज में हुआ, जिसके आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ग्रेडिंग तय करेगा। इसके बाद गिरिडीह कॉलेज के अनुदान दिए जाने पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा माना जा रहा है कि नैक की टीम का यह दौरा गिरिडीह कॉलेज के भविष्य के लिए बेहद मायने रखता है। 4 मेंबर यहाँ पर आए हुए हैं भिन्न भिन्न जगह से, जैसे एक आए हैं केरल से, एक आए हैं उड़ीसा से, एक आए हैं अहमदाबाद से और एक आए हैं बेंगलोर से। तो ये सारे कॉलेज की वस्तु स्थिति देखने आए हैं। यहाँ कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, ये स्टूडेंट को एग्ज़ाम सिस्टम कैसा है, इसका रिजल्ट कब निकलता है, समय पर निकलता है या नहीं, ये सारे पर्यवेक्षण करने ये लोग आए हुए हैं। तो हम लोग इन लोग को सारा मदद किया है, सारा ऑफिस का पेपर्स इन लोग को प्रेजेंट किए हैं। लोग इन लोग से बर्ताव से लग रहा है दे आर सेटिस्फाइड और इसके आधार पर हम लोग का कॉलेज को ग्रेडिंग दिया जाए। तो एक कॉलेज का ये ग्रेडिंग मिलना आवश्यक है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोगों को किसी भी प्रकार का अनुदान वगैरह नहीं मिलेगा जब तक कि कॉलेज का कोई ग्रेडिंग ना हो। बेंगाबाद प्रखंड के करणपुरा पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं की विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के करणपुरा पंचायत सचिवालय में आयोजित की गई, जिसमें सरकार के द्वारा चलाए गए महत्वाकांक्षी योजनाओं की विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी और सीओ कृष्ण कुमार ने कार्यस्थल में लगे स्टॉल का जायजा लिया। लगे स्टॉलों में
विभिन्न योजनाओं के फॉर्म जमा लिए गए और वैक्सीनेशन लेने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पेंशन को लेकर काफी संख्या में आवेदन आए। इस मौके पर कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी भी दिया गया, साथ ही ग्रीन कार्ड भी वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मुखिया खातून बीवी, मुखिया प्रतिनिधि पाछू मिया, पंचायत समिति सदस्य बैजनाथ प्रसाद वर्मा, खुर्शीद अनवर हादी, कैलाश प्रसाद वर्मा, मुन्ना चौधरी, मुन्ना वर्मा समेत काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत करणपुरा पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है, जो काफी अच्छा रहा। अभी भी देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह है और लगभग आज 650 आवेदन हम लोगों ने प्राप्त किया है, जिसमें 104 कोरोना टीकाकरण हुआ है और लगभग 200 के आसपास पेंशन का आवेदन प्राप्त किया। उसी प्रकार आज KCC में हम लोगों ने 50 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त किया है। ई श्रम के तहत 25 से 30 के आसपास उसका निबंधन कार्ड बनाया गया है। कुल मिलाकर के सभी विभाग का, अंचल विभाग का, सप्लाई विभाग से ग्रीन कार्ड और फिर नया राशन कार्ड के लिए आवेदन को सभी चीज़ को मिलाकर 650 से ज़्यादा आवेदन हम लोग लिया है और उसमें 50% जो है ऑन द स्पॉट। सरकार हमारी द्वार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा। हमको लगता है कि जो चीज़ें बहुत 2 साल से लटके हुए थे उसको आज निपटने का एक बहुत अवसर मिला और ये उत्साह वर्धक रहा। हमको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलाने की जरूरत है ताकि गांव के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल सके और उनकी जानकारी भी मिल सके। अभी जो कार्यक्रम हुए उनमें सब विभाग के पदाधिकारी आए, सभी विभाग के लोगों ने अपना अपना बात भी रखे और बहुत तरह की समस्याओं का समाधान भी हुआ। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन देवरी प्रखंड के गुनियाधर पंचायत में किया गया। इस कार्यक्रम में ऑन द स्पॉट आवेदन को लेकर उसका निष्पादन किया गया। गुरुवार को देवरी प्रखंड के गुनियाधर पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े समस्याओं का समाधान हेतु स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों के आवेदन ऑनलाइन रजिस्टर तो किए ही जा रहे थे, कुछ आवेदनों का ऑन द स्पॉट निस्तारण भी किया जा रहा था। इसी क्रम में कुल 5 लाभार्थियों का ऑन द स्पॉट पेंशन स्वीकृत किया गया। लाभार्थियों ने तुरंत पेंशन स्वीकृत होने पर सरकार व प्रशासन का आभार जताया। कार्यक्रम देवरी प्रखंड के BDO CO के अलावा विभिन्न विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी और काफी संख्या में आम जनता उपस्थित रहे। पेंशन हो गया, पेंशन हो गया। आर्थर मुर्मू है, मैं केतरिया गांव का निवासी हूँ, मेरा पेंशन हो गया है। जन जागरण अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली में बुलाई गई रैली की अनुमति नहीं देने के खिलाफ टावर चौक में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा के साथ साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा 12 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई रैली की अनुमति नहीं देने के खिलाफ आज टावर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ता मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, हिटलर शाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या पर उतर आई है और कांग्रेस पार्टी से डर गई है, इसी वजह से रैली की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के जो महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चल रहा था, उसी को लेकर के दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल जी के आह्वान पे वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। जिस जगह पर रखा गया था वहाँ की इजाजत दिल्ली के तरफ से नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज हम लोग उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि उनके मुख्यालय में या दिल्ली में आकर के कांग्रेस अपना प्रदर्शन करे और लोगों को बता सके कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इनके सारे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो मुखर हुई है
ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ नहीं होने दिया जा रहा है। आज इसी को लेकर के पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि इस देश में लगातार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। पूरे भारत में पार्टी के आंदोलन से घबराकर दिल्ली में रैली करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी के खिलाफ आज पूरे भारत में आक्रोश के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह की तानाशाही का विरोध करती रहेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आलमगीर आलम, कैसर तौहीद, मदन विश्वकर्मा, सुमन खान, परेश नाथ मिश्रा, वासुदेव वर्मा सहित सभी प्रमुख कांग्रेस कर्मी उपस्थित थे। पूरे भारत में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत 12 दिसंबर को हमारी नेता सोनिया जी द्वारा दिल्ली में एक रैली का आह्वान किया गया था, जिसमें पूरे भारत से लाखों की संख्या में कांग्रेसी जुटने थे और महंगाई से त्रस्त जनता का जुटान होना था। लेकिन जैसा कि पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि किसानों को भी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिया गया, उसी तरह कांग्रेसियों को भी दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी गई, जो सरासर तानाशाही है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरे भारत में आज दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा और विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, लखीचंद किस्कू, शालिनी सलामपुरिया, उदय शंकर उपाध्याय, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा उपस्थित रहे। निवर्तमान प्रधानाचार्य श्री संजीव कुमार सिन्हा को शॉल, पुष्प गुच्छ, अंगूठी, वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि स्थानांतरण प्राचार्य के जीवन में पक्षी के घोंसले के समान है, जो एक स्थान से उड़कर नई जगह पर जाकर नए घोंसले को बनाता है और अपने कार्यों को नए तरीके से करता है। नए प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, उसी नियम के अंतर्गत मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। वर्तमान समय का टीम बहुत ही ऊर्जावान है, मैं आपके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करूंगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। निवर्तमान प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि मुझे इस विद्यालय से बहुत ही प्यार और सम्मान मिला है। हमारा विद्यालय प्रांत के विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ रहा है और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन में यह विद्यालय सर्वश्रेष्ठ बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत कुमार मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्णवाल, राजीव सिन्हा, सरिता कुमारी, हरिशंकर तिवारी, कामेश्वर राय, प्रीता सिन्हा, बेबी सरकार, नलिन कुमार, सतीश मिश्रा, प्रदीप सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा। ठीक, इसके उल्टी तरह मैंने बहुत सारा पुस्तकालय बनाने की बहुत अच्छी कल्पना की थी और इसके लिए भी तय राशि भी तय हो गई थी, लगभग 15 लाख की राशि उसमें तय हुई थी। डेकोरेशन करके एक झारखंड में एक अद्भुत पुस्तकालय का निर्माण, अपना विद्या भारती का, लगभग अपने विद्यालय भारती के विद्यालय का ऐसा एक पुस्तकालय का बने तो प्रधानाचार्य से भी दिशा देते हैं। और मुझे वो दिन याद है, पर मैं अपने आचार्य की प्रशंसा करने के लिए एकदम निसंकोच भाव से इसमें चाहे कोई भी कुछ बोले, मुझे वो पूरे दिन याद है कि जिसमें कोई आचार्य कोई भी बाहर निकलते नहीं थे। इतनी भय थी कोरोना की कि लगता है हमको कोरोना हो जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन हमारे आचार्य भगवान की दया से इस पवित्र भूमि के कृपा से मैं तो इसको यह जो भूमि में खड़े हैं वो एक पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि में जो मां का आशीर्वाद मिला है हमारे आचार्य को भी, उस कोरोना काल खंड में भी सब स्वस्थ रहते, किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होते हुए और बहुत अच्छे ढंग से काम किए। और वह दिन जब मैं एक ही आह्वान किया था कि हमारे आचार्य बंधु आएंगे और किसी स्थिति में विद्यालय को संभालना है, सभी भैया और घर में बैठ गए हैं और पढ़ाई करनी है। सभी विद्यालयों में बहुत संघर्ष किया और इस
संघर्ष के उपरांत अब अच्छे दिन आएंगे, ये भाव लेना है। तो ये अच्छे दिन आप सबके प्रयास से आएंगे और नेतृत्वकर्ता आपके आ ही गए हैं। और मैं जैसा सभी को आपका सहयोग मिला है, मगधपुर बरकंडा रोड में आनंदम कैफे रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ के द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। इस मौके पर रेस्टोरेंट के संचालक आनंद कुमार पांडे के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज मगधपुर स्थित एक खूबसूरत रेस्टोरेंट आनंदम कैफे का विधिवत रूप से उद्घाटन शहर के प्रभारी महापौर श्री प्रकाश सेठ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि आनंदम कैफे जैसे रेस्टोरेंट का इस स्थान पर आवश्यकता थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में अच्छे कारीगर है और अच्छी व सुसज्जित व्यवस्था है। आज मगधपुर स्थित शिवम क्लिनिक के सामने आनंदम कैफे का उद्घाटन किया गया है और इस लोकेशन में इस तरह का जो चाइनीज फूड और अन्य प्रकार के खाद्य सामग्री बनाएंगे। अभी तो हालांकि चाइनीज फूड का इन्होंने शुरुआत किया है और आगे इनकी योजना है कि हम लंच डिनर के जो भी सारी चीजें हैं उसका भी उसको भी ये बनाएंगे। और इस लोकेशन में चूंकि एक भी होटल ऐसा नहीं है, इतना अच्छा होटल मैं देख रहा हूँ, काफी सुसज्जित और अच्छे कारीगर भी हैं और मुझे लग रहा है कि इसकी आवश्यकता यहाँ थी और आज शुभ उद्घाटन हुआ है। और इसके लिए मैं अनिरुद्ध सिंह जी को और रंजन सिंह जी को और मुकेश पांडे जी और इनके जितने भी सहयोगी हैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने एक उमदा सोच के तहत और जनता के मांग के अनुसार और यहाँ आनंदम कैफे का खोलने का काम किया है, जहाँ हर प्रकार के लजीज व्यंजन उपलब्ध होंगे। इस कैफे के संचालक आनंद कुमार पांडे ने बताया कि मगधपुर रोड में एक सुसज्जित रेस्टोरेंट्स की आवश्यकता थी, क्योंकि इस रोड में काफी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अस्पताल के कार्यों से भीड़ भाड़ रहता है। हमारा प्रयास होगा कि इस रेस्टोरेंट में उत्तम क्वालिटी की भोजन बहुत ही किफायत कीमत पर मिले। इस अवसर पर अनिरुद्ध पांडे, रंजन सिंह, डॉक्टर नीरज निर्मल, ब्रजेश पांडे, विनीत, अविनाश, रंजन सिंह, पीताम्बर झा, लोविन पांडे, ऋषभ, आशीष, अनुज, राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। द्वारा मुख्य रूप से यह उद्देश्य को ध्यान रखकर बनाया गया है। जितने भी अगल बगल के लोग हैं, खासकर सामने क्लिनिक है, पेशेंट लोग आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, हेल्दी फूड दिया जा सके ताकि बीमारियों से बचा जा सके, और जितने भी लोग हैं अगल बगल के वो एक अच्छे खाने को प्राप्त करें, क्योंकि राहगीरों को खाना बहुत जरूरी होता है। और एक अच्छी व्यवस्था के साथ अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कहा गया है कि स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता है, चाहे वो स्वच्छ फूड हो, स्वच्छ पानी हो, वही जीवन का निर्माण है। इसलिए स्वच्छ जीवन सुविचार ये हमारा प्रधानता रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि जिस भी प्रकार का फूड हो वो लोगों को अच्छी प्रकार से मिल सके, स्वच्छ मिल सके, लोग अच्छे से डाल सके। रांची से आई पीडब्ल्यूडी की टीम ने 3 पथों का भौतिक सर्वे किया, जो इस प्रकार है। बरवाड़ी से बुढ़िया खाद, सेंट्रल पीठ से कबरीबाद होते हुए बनियाडी और बनियाडी से मेन रोड मुफसिल थाना तक पहुंच पथ, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। अजीडी से दुखिया महादेव रोड और दुखिया महादेव रोड से गांडे तक लंबाई लगभग 15 किलोमीटर। गादी श्री रामपुर से होते हुए उदनाबाद से जसपुर तक, जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। इस अवसर पर झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये तीनों सड़कों की स्थिति बहुत ही बदतर है। पूर्व के सरकार और यहाँ के पूर्व विधायक पर अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक के अथक प्रयास से ये सड़कों का निर्माण जल्द होगा और स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर दिलीप रजक, राहुल कुमार, भरत यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वैसे देखना तो यह है कि कितने दिनों में इन सड़कों का निर्माण हो पाता है। जब 2 साल से अधिक पहले शिलान्यास हुआ, उसरी पुल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है, तो सर्वे हो रहे पथों का निर्माण कब होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गिरिडीह की जनता उम्मीद करेगी कि इन पथों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो।
विश्व एड्स दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को जमुआ प्रखंड के पोबी गांव में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों को कानून और एड्स से संबंधित जानकारी दी गई। माननीय नालसा और माननीय झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव के मार्गदर्शन में जमुआ प्रखंड के ग्राम पोबी में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पूर्व उप प्रमुख नवीन कुमार साव की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जमुआ के PLV सुबोध कुमार साव ने उपस्थित लोगों को एड्स के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि एड्स पीड़ितों के साथ उनके कार्यस्थल या उपचार आदि में होने वाले भेदभाव को अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव सह युवा समाज सेवी योगेश कुमार पांडे ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एड्स के संक्रमण के तरीकों का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है कि एड्स से पीड़ित लोगों से भेदभाव या उत्पीड़न करने वालों पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षक द्वारिका रजक ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर वार्ड सदस्य दिलीप कुमार पासवान, विवेकानंद प्रसाद धीरज सहित अन्य उपस्थित थे। 1 दिसंबर 2021 आज कोबी पंचायत के प्रांगण में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हमें अलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान को रखना बेहतर होगा, तभी हमारा देश सकुशल और सुव्यवस्थित ढंग से प्रगति के पथ पर अग्रसारित हो सकेंगे। पूरा भारतवर्ष में एड्स दिवस मनाया जा रहा है और इससे बहुत जानलेवा बीमारी है एड्स, और इसमें हम लोग को जागरूक करना है हर पंचायत हर गांव में। और एड्स एक इसे अब मान के चलिए कि ऑन शोषण जो होता है और सुरक्षित ऑन शोषण करने से एड्स फैलता है, और मैं चाहूँगा कि इसे जागरूक करने पर आदमी जागेगा और इसे अच्छी पहल अच्छी सोच अच्छी विचार होना चाहिए। एड्स एक ऐसा लाइलाज बीमारी है जो आप जानते हैं, खास करके इस बीमारी के चपेट में युवा वर्ग आते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि युवा पलायन कर रहे हैं बहुतायत संख्या में देश के विभिन्न कोने में रोजगार के लिए, अपने परिवार से जुदा होकर जाते हैं। होता है क्या, वो संयमित कुछ युवा नहीं रह पाते हैं और एड्स जैसे बीमारी से ग्रसित होकर आते हैं और वो सौगात लेकर आते हैं और अपने परिवार को भी ग्रसित कर देते हैं। अगर एड्स को रोकना है तो सबसे बड़ा कारगर उपाय इसका है कि हम अपने ही क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्रदान करें, और जो युवा बाहर से घर आ रहे हैं कमा के, उनको जो एयरपोर्ट पर है, रेलवे स्टेशन है, वहां पे जांच होनी चाहिए। आज 2 दिसंबर है। आज का इतिहास हिंदुस्तान और पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हिंदुस्तान और विश्व में कई घटनाएं घटी। आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। अब समय है आज के इतिहास का। आज 2 दिसंबर है, साल का 336वां दिन। तो आइए जानते हैं आज के दिन देश विदेश में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं। 2 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। उनके बम्बई आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। 2 दिसंबर 1942 को पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। 2 दिसंबर 1971 में 7 अमीरातों के संघ के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का गठन हुआ। आज का दिन मेडिकल इतिहास का बड़ा दिन है। 2 दिसंबर 1982 को अमेरिका के एक डेंटिस्ट डॉक्टर बर्नी क्लार्क को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया था। डॉक्टर क्लार्क दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी को लेकर डॉक्टर हार मान चुके थे,
लेकिन तभी यूटा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विलियम सी ट्रेविस की टीम ने डॉक्टर क्लार्क का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 1804 में आज ही के दिन नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी की गई थी। 1989 में आज ही के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के सातवें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 1984 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले राजीव गांधी की जगह ली थी। यह था हमारा आज का अंक, फिर मिलते अगले अंक में कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।